हेलो जेम्स, वेलकम बैक टू टीसीसी वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। माय नेम इज मोहम्मद उमर शबीर एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 12 एंड द टॉपिक इन डिस्कशन टुडे इज सीएसएस ग्रिड। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसएस ग्रिड का हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। CSS Grid is a layout system that allows you to design complex web layouts using rows and columns with precise control over placement and alignment of elements. तो इस सारे का क्या मतलब है? बेसिकली सारे का मतलब ये है कि अपना हमने इससे पहले जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने CSS Flexbox को देखा था। Flexbox हमें क्या अलाउ करता था कि जस्ट अपने अलाइनमेंट ऑफ हमारे जो एलिमेंट्स थे उनको सिंगल डायरेक्शन, या तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम थी या हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो थी, हम एट अ टाइम बोथ रो एंड कॉलम की डायरेक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपने जो फ्लेक्स चाइल्ड्स हैं उनकी। लेकिन सीएसएस ग्रिड हमें टू डायमेंशनल यानी बोथ इन कॉलम एंड इन रो हमें अलाउ करता है कि हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनकी अलाइनमेंट जो है, अपनी प्लेसमेंट जो है उनको कंट्रोल करें विद प्रसाइज कंट्रोल ओवर प्लेसमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि हमारे पास रो बोथ इन रो एंड कॉलम के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी प्लेसमेंट और अलाइनमेंट का हमें कंट्रोल सीएसएस ग्रिड अवेल करता है। यहाँ पे अभी हम देखें अगर इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे एक जो मिनिमल ग्रिड आप इसको कह लें ये बनाई गई है, इसके अंदर हमारे पास दो रोज हैं और फोर कॉलम्स हैं। इस तरह का लेआउट हमें सीएसएस ग्रिड अलाउ करता है अपने सीएसएस के अंदर क्रिएट करने के लिए, जो कि पहले हमें हम सिमिलर टू दिस स्टाइल को हम क्रिएट तो कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स से, लेकिन हम इसके आगे नहीं जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इसकी वर्टिकल मूवमेंट को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, या अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में है तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो है फ्लेक्स बॉक्स का कमी थी उसको पूरा सीएसएस ग्रिड ने किया है कि हमें बोथ डायरेक्शन बोथ कॉलम एंड रो के अंदर हमें जो एलिमेंट की प्लेसमेंट और अलाइनमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। वही चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और सीएसएस ग्रिड को इन डेप्थ देखने की कोशिश करते हैं। सो डिस्प्ले फ्लेक्स की तरह ही डिस्प्ले ग्रिड को भी यहाँ पे इनिशियलाइज किया जाता है डिस्प्ले ग्रिड के साथ। डिफाइंस अ सीएसएस ग्रिड कंटेनर फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स की तरह ही हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास आइटम्स मौजूद हैं। इन आइटम्स को हम ग्रिड आइटम्स से पुकारेंगे और जो कंटेनर है ये हमारा ग्रिड कंटेनर होगा। किसी भी कंटेनर को जो एलिमेंट्स को रैप कर रहा हो, चाइल्ड एलिमेंट्स को, उस कंटेनर के अंदर से उस कंटेनर के सिलेक्टर के अंदर हम डिस्प्ले ग्रिड की वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं अपने सीएसएस के अंदर, अपने ग्रिड को इनिशियलाइज करके अपने जो आगे हम सीएसएस की बाकी वैल्यूज की हमें जो उसका एक्सेस मिलती है, बाकी उनकी एक्सेस हमें तब मिलेगी जब हम जो हमारा कंटेनर है उसके सिलेक्टर के अंदर डिस्प्ले ग्रिड की वैल्यू को हम कोड करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास ग्रिड मॉडल है। यहाँ पे अब कुछ ऐसे कीवर्ड और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप लोगों ने समझनी है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुननी है और इन चीज़ों को आपने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक रीड आउट भी कर लेते हैं हम। सीएसएस ग्रिड मॉडल इज अ टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम अलाउइंग प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स ऑन अ वेब पेज। अगेन वही डेफिनेशन है कि हमारे पास जो सीएसएस ग्रिड है वो हमें टू डायमेंशनल यानी लेआउट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेआउट्स में हमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट और अलाइनमेंट अरेंजमेंट के ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक बात समझ लें, यहाँ पे एक ग्रिड का मॉडल है, इस मॉडल को आपने यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। बेसिकली ये जो लाइंस हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल के अंदर लाइंस मौजूद हैं, इनको हम कहेंगे अपनी ग्रिड लाइंस। अगेन आपने मैं कुछ अभी कीवर्ड्स एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इनको बड़े ध्यान से सुनना है और याद करना है। इन लाइंस को हम कहेंगे ग्रिड लाइंस।
और एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला है इसको हम कहेंगे एक ट्रैक। यानी कि ये हमारे पास लाइन वन, ये लाइन टू, ये लाइन हमारे पास थ्री, इस तरह फोर एंड फाइव, और थ्री एंड फोर के दरमियान जो हमारे पास फासला है ये हमारा एक ट्रैक है, देन फोर और फाइव के दरमियान जो फासला है हमारा ये एक ट्रैक है, इसी तरह वन और टू के दरमियान जो हमारे पास फासला है हमारा ये एक ट्रैक है। अगेन जो हमारे पास लाइंस हैं ये हमारी ग्रिड लाइंस हैं, और एक लाइन और दूसरी लाइन ग्रिड लाइन के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसको हम ट्रैक कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी सिमिलर हमारे पास लाइंस ग्रिड लाइंस मौजूद हैं, और इनके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा इसको भी हम ट्रैक कहेंगे। और ये एक हमारे पास बॉक्स जो बना हुआ है इस बॉक्स को हम कहेंगे सेल। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, हमारे पास ग्रिड लाइंस मौजूद हैं और दो लाइंस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारा है ट्रैक, और हमारे पास एक जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो ये तीन कीवर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ग्रिड लाइंस, ट्रैक और जो हमारा सेल का कंसेप्ट है इसको आपने याद रखना है। अभी हम अपने वीएस कोड की तरफ चलेंगे और वहाँ पे हम एक जो बेसिक हमारा सीएसएस ग्रिड है एक बेसिक ग्रिड को हम सीएसएस के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आ गए अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं तो हमारे पास दो फाइल्स मौजूद हैं, एक HTML और एक CSS। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सेटअप करेंगे। HTML के अंदर हम बॉयलर प्लेट कोड अपने एमिट के ज़रिए लेके आएंगे, देन हम इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक कर देंगे। अपने हम HTML के अंदर कुछ डिव्स को क्रिएट कर लेंगे, इन डिव्स को लेट्स से हम फाइव डिव्स क्रिएट कर लेंगे और हर डिव के अंदर हम उसका एक रिस्पेक्टिव नंबर इनपुट कर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने पांच डिव्स क्रिएट कर ली और उनके अंदर हमने उनका नंबर इनपुट कर दिया स्टाइल के अंदर, और इन तमाम को हम क्या कर लेंगे कि एक कंटेनर के अंदर, जैसे कंटेनर डिव के अंदर इन तमाम को हम रख देंगे। और या हमारे पास बेहतर रहेगा कि हम इसको चाइल्ड कॉल कर ले ताकि आप लोगों को समझ अच्छी तरह आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा HTML सेटअप हो गया है। अब अपनी CSS की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंटेनर को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे उसको लेट्स से विड 500 पिक्सल, हाइट लेट्स टू 300 पिक्सल, बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ पे हमारा कंटेनर डिस्प्ले हो गया है। अब अपने जो हमारा चाइल्ड है उसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे, let's do 100 pixel and height 50 pixel, background let's say blank, and of course क्योंकि हमारे पास color हमने उसके अंदर रखवाना है हमारे पास यहाँ पे color आ गया। थोड़ी सी इसको padding दे देते हैं खूबसूरत बनाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास हमने एक चीज करनी है, सो दिस इज ग्रेट।
सो अब हमने अपने CSS ग्रिड को इनिशियलाइज करना है, तो हम अपने कंटेनर के ऊपर आएंगे, देन वी वुड डू अ डिस्प्ले इक्वल्स ग्रिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लैक्स करके देखते हैं कि इससे क्या हमारे पास इसमें फ़र्क आता है। तो जैसे ही हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे तमाम जो एलिमेंट्स के चिल्ड्रन थे हमारे कंटेनर के अंदर, वो तमाम एक लाइन के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, विच इज़ यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल, यानी कि सिंगल हमारे पास यहाँ पे लाइन के अंदर वो तमाम शिफ्ट हो गए हैं। हमारे पास कोई मल्टी डायमेंशनल 2D के अंदर हमारे पास उसके अंदर ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने ग्रिड के अंदर करेंगे, अब हमारे पास अपने जो एलिमेंट्स थे वो हॉरिजॉन्टल थे, अभी भी हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है जो कि पहले मौजूद नहीं थी। तो ये CSS ग्रिड ने किया है कि उनको जितनी भी स्पेस अवेलेबल थी उनके दरमियान इक्वली डिवाइड कर दी है। तो इस तरह CSS ग्रिड को इनिशियलाइज किया जाता है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और CSS ग्रिड को इन डेप्थ देखते हैं। सो नेक्स्ट हमने देख तो लिया कि CSS ग्रिड को कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन ग्रिड के अंदर अपने पास हमारे पास कॉलम्स और रोज को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रिड टेम्पलेट। सो CSS ग्रिड टेम्पलेट डिफाइंस द लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रिड कंटेनर्स रोज एंड कॉलम्स फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑन वेब पेज। तो ग्रिड टेम्पलेट क्या करता है कि ग्रिड टेम्पलेट एक ग्रिड की रोज और कॉलम्स के लेआउट को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के अंदर हम देखें, तो हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रोज की एक प्रॉपर्टी है, देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। और ये एग्जाम्पल जिस तरह स्ट्रक्चर की गई है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल, विच मीन्स चार हमारे पास रोज हैं और हर रो की कितनी विड्थ है 100 पिक्सल। अब ये विड्थ किसके बारे में डिस्कस की जा रही है, विड्थ हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैक की विड्थ। अभी हमने देखा था कि ट्रैक किसको कहते हैं, अगर नहीं किसी को याद रहा तो रिवाइज करें आप पीछे से जाके। तो ये ट्रैक की विड्थ है 100 पिक्सल। देन हमारे पास इस तरह ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हैं, क्योंकि हमारे पास तीन हैं और 50 पिक्सल ईच ट्रैक की विड्थ है। इसी को हम अपने VS कोड के अंदर अभी कोड करके अपनी जो हमने लेआउट बनाया है ग्रिड का उसके अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक ही हमारे पास कॉलम मौजूद है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, फुल स्क्रीन के ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं, और यहां से अगर अपने कंटेनर के ऊपर अगर हम होवर करें, तो होवर करने से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक टॉगल है ग्रिड लिखा होगा, तो आप इस ग्रिड को क्लिक करके अपनी जो ग्रिड की लाइंस हैं यहाँ पे उनको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास इस वक्त हमने क्योंकि कोई और डिफाइन नहीं किया, तो हमारे पास जस्ट एक ही कॉलम है और बाकी हमारे पास तमाम रोज़ हैं। अगर मैं देखूँ तो हमारे पास एक रो, दो रो, तीन और चार और पांच मुख्तलिफ रोज़ हैं, और यहाँ पे हम लाइंस को भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक रो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लेकिन हमारे पास कॉलम की जस्ट एक ही लाइन है और यहाँ पे मौजूद है और जस्ट एक ही कॉलम है। तो ये क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ कंटेंट थे, तो उनको मुख्तलिफ रोज के ऊपर डिवाइड कर दिया गया, लेकिन क्योंकि हमारे पास कॉलम जस्ट एक ही था तो उसको एक ही पे रखा गया। लेकिन अभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने तरीके से। लेट्स सी, हम कंटेनर के अंदर हम डिफाइन करेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड वी विल डू, हमारे पास क्योंकि पाँच मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट की जो हाइट है वो 50 पिक्सल है, तो हम क्या करेंगे कि 50 पिक्सल हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लें, 3, 4, 5 and 6। तो हमने क्या किया कि 6 रोज क्रिएट कर ली। और अपने अगर हम कोड के अंदर देखते हैं तो एज सच कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे पास 6 रोज मौजूद थी।
हमने एक ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दी, 6 रो कर दी, कि हमारे पास रोज हमारे पास 5 होने चाहिए थे क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं. सॉरी फॉर द मिस्टेक, हम यहाँ से एक रो को कम करेंगे. सो हमारे पास अब 1, 2, 3, 4 एंड 5 मुख्तलिफ रोज हैं और इनकी तमाम की विड्थ, ट्रैक की विड्थ 50 पिक्सल ईच है. सो इफ वी कैन सी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 6 विच इज़, क्योंकि हमारे पास 5 मुख्तलिफ रोज हैं और हर रो के अंदर 2 हमारे पास लाइंस कनेक्ट होती हैं, तो हमारे पास 6 लाइंस हैं लेकिन ट्रैक्स हमारे पास 5 ही हैं. एंड इसी तरह हम अब कॉलम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड लेट्स डू 100 पिक्सल 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल. अगर अब हम अपने ब्राउजर के अंदर देखें, अब हमारे पास पहले कंटेंट जस्ट एक ही लाइन के अंदर हॉरिजॉन्ट एक वर्टिकल एक ही लाइन के अंदर आ रहा था, अब वर्टिकल 3 मुख्तलिफ लाइंस के अंदर डिवाइड हो गया है. अब ये 3 मुख्तलिफ लाइंस के अंदर डिवाइड क्यों हुआ है, क्योंकि अब हमने 3 मुख्तलिफ कॉलम्स को डिफाइन कर दिए, 3 मुख्तलिफ ट्रैक्स हमने क्रिएट किए हैं अपने जो सीएसएस के अंदर, हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को डिफाइन किया है. तो ये हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का जो है वर्क है, कि हम अपने ट्रैक्स को डिफाइन करते हैं कि हमने कितने पिक्सल के कितने ट्रैक मौजूद होने चाहिए. फॉर एग्जांपल इसी तरह जिस तरह हमने 3 ट्रैक्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं कॉलम के लिए, हम एक और ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं. अगर अब हम अपने कंटेंट को देखेंगे ब्राउजर के अंदर, तो अब 3 के बजाय 4 कॉलम्स के अंदर वो डिवाइड हो गया है. इसी तरह एक और कॉलम अगर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, तो हमारा जो कंटेंट है अब वो 5 मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया है. अब ये मुख्तलिफ रोज भी हमारे पास मौजूद हैं इधर, लेकिन कंटेंट क्योंकि 5 मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर डिवाइड होना है, तो अब वो रोज के ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा. लेट्स ब्रिंग इट बैक टू ओनली 2 कॉलम्स. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे 2 कॉलम्स आ गए. इसी तरह हम यहाँ से इसको 100 की बजाय 150 कर सकते हैं. एक हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कॉलम 100 पिक्सल का हो और एक 150 पिक्सल का हो, तो वो भी बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सेकंड वाला कॉलम है, इस कॉलम के यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस मौजूद है. इसको हम अच्छी तरह डिफाइन करने के लिए इसकी जो विड्थ और हाइट चाइल्ड्स की है, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, ताकि हमारे जो चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ और हाइट जो हमारा सेल है उसके इक्वल हो जाए ऑटोमेटिकली. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक कॉलम जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन जो दूसरे कॉलम के हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ अब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे उनको ज़्यादा रिफाइन किया था. इसी तरह हम और इंक्रीज कर सकते हैं, लेट्स डू 250, ताकि हमारे पास जो फ़र्क है वो बिल्कुल वाजह तरीके से नज़र आए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले कॉलम के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ जस्ट 100 पिक्सल है, लेकिन दूसरे कॉलम वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ हमारे पास 250 पिक्सल हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन की थी. इसी तरह हम रोज को भी यहाँ से मतलब रिक्रिएट कर सकते हैं. लेट्स डू जो सेकंड वाली रो है उसको 150 पिक्सल हम कर देते हैं, ताकि हम यहाँ पे देख सकें कि पहली रो के हमारे पास 50 पिक्सल आई थिंक सो यस 50 पिक्सल है, एंड सेकंड रो के हमारे पास 150 है, देन हमारे पास थर्ड रो है उसकी 50 अगेन है. तो इस तरह हम ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मुख्तलिफ लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड कॉलम्स हैं. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सीएसएस ग्रिड के अंदर और क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या चीज़ें हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट फंक्शन. अब रिपीट फंक्शन इन ग्रिड टेम्पलेट रोज अलाउज यू टू स्पेसिफाई अ पैटर्न ऑफ रिपीटेड रो साइजेस इन योर सीएसएस ग्रिड लेआउट. तो रिपीट फंक्शन हमारे पास सीएसएस के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि जो रिपीटेटिव हमारे पास वर्क है ना, जिस तरह के अभी हमने 5-6 रोज क्रिएट की थी, 3-4 कॉलम्स हम क्रिएट कर रहे थे, तो हमें बार बार सिमिलर कॉलम्स जो है उनको क्रिएट करना पड़ रहा था. तो उसकी जगह हम रिपीट फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए बहुत सारी रोज या बहुत सारे कॉलम्स हम एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं. इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह, जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसको हम वी एस कोड के अंदर जाके अभी जो हमारी एग्जाम्पल है उसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं. सो राइट नाउ हम अपनी वी एस कोड के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1
टू थ्री फोर एंड फाइव मुख्तलिफ हमारे पास रोज़ हैं और इनके तमाम को हमने 50-50 बार बार लिखा है। तो इसके बजाय हम यहाँ पे रिपीट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वी जस्ट राइट रिपीट, देन हमारे पास आएगा काउंट विच इज़ 5 कोमा, देन हमारे पास जो ट्रैक विड्थ होगी लेट्स टू 50 पिक्सल। हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर अगर देखें तो हमारे पास सिमिलर अभी भी हमारे पास उतनी ही हमारे पास जो हैं ट्रैक हैं, हमारे पास रो के ट्रैक्स उतने ही हैं, 5 ही हैं अभी हमारे पास। तो हमारे पास रिपीट फंक्शन हमारे पास वर्क कर गया और कॉलम्स हम दो क्रिएट किए हैं, दो मुख्तलिफ कॉलम्स क्रिएट किए हैं। तो हम इसके बजाय यहाँ पे हम रिपीट फंक्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं विच इज़ काउंट, विच मीन्स कि कितने हमारे पास ट्रैक्स क्रिएट हों। रोज की सूरत में यहाँ पे हमारे पास 5 थे, अब हमारे पास कॉलम की सूरत में 2 हैं एंड देन कोमा, और हमें एक कॉलम के ट्रैक की वेट चाहिए 100 पिक्सल। सो विच देयर इज दैट। सो अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कोड बिल्कुल चेंज कर दिया यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, विच मीन्स के वर्क कर गया है और जो चीज़ वर्क कर गई है वो उसको छेड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी डिस्कस इज ग्रिड गैप। सो ग्रिड गैप सेट्स द स्पेसिंग बिटवीन रोज एंड कॉलम्स इन अ सीएसएस ग्रिड लेआउट। तो गैप क्या करता है कि दो ट्रैक्स के दरमियान स्पेसिंग को क्रिएट करता है। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि रो गैप है, कॉलम गैप है, देन हमारे पास जस्ट गैप की प्रॉपर्टी है। अगर जस्ट गैप के साथ हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास रो एंड कॉलम दोनों के लिए डिफाइन सिमिलर हो जाएगा। अगर हमने डिफरेंट डिफाइन करना है दोनों के लिए तो हम रो गैप एंड कॉलम गैप को डिफाइन करेंगे। तो इसको अपने वीएस कोड के अंदर अपने एग्जाम्पल के अंदर इम्प्लीमेंट करके अभी देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, हम क्या करते हैं कि कॉलम के अंदर हम थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेते हैं, अपने कंटेनर के अंदर ही आ जाएंगे एंड देन वी विल डू ए कॉलम गैप एंड एक्स टू 50 पिक्सल। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपस में जुड़े हुए थे ये दोनों एलिमेंट्स, अब इनके दरमियान थोड़ा सा गैप आ गया और ये गैप 50 पिक्सल का है विच इज़ फर्स्ट ट्रैक एंड सेकंड ट्रैक। इन दो ट्रैक्स के दरमियान ये गैप क्रिएट किया गया है हम कॉलम गैप के साथ। इसी तरह रो के गैप के भी अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं लेट्स 10 पिक्सल। तो यहाँ पे अभी रो के अंदर भी गैप आ गया है, ये जो पर्पलिश एरिया है ये हमारा गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास प्रोवाइड किया गया है वीएस कोड की तरफ से, वो क्रोम ब्राउज़र की तरफ से, ताकि हम ग्रिड को अच्छी तरह समझ सकें। और इसके साथ अगर हम इसका शॉर्ट हैंड यूटिलाइज करें विच इज़ जस्ट गैप, तो हम कह सकते हैं लेट्स डू 20 पिक्सल। सो अब 20 पिक्सल हम देखेंगे कि हमारे पास रो गैप भी 20 पिक्सल है और हमारे पास कॉलम गैप भी 20 पिक्सल है विच इज़ सिमिलर फॉर बोथ। हम अगर हमें सिमिलर करना है तो हम जस्ट गैप की प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर हमें डिफरेंट क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम रो गैप एंड कॉलम गैप की अलग-अलग प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। इसके साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रिड कॉलम, एंड ग्रिड कॉलम इज के हम अपने अब हम पहले तो हम क्रिएट कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ के साथ डील कर रहे थे जो कि ओवरऑल तमाम एलिमेंट्स को रिलेट करती थी। अब हमारी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारी सिंगल आइटम के ऊपर डिस्प्ले हम करवाएंगे, आइटम के ऊपर हम इंप्लीमेंट करेंगे इसको, और ये डिफाइन करती है कि एक आइटम कितनी ग्रिड की कॉलम लाइंस के ऊपर स्पैन करे। फॉर एग्जांपल कि अगर एक आइटम यहाँ पे एग्जांपल के अंदर हम देखें तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड की दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ इनका शॉर्ट हैंड है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 विच मीन्स के पहली कॉलम लाइन से ये स्टार्ट हो, देन ग्रिड कॉलम एंड विच इज़ थर्ड के थर्ड कॉलम लाइन के ऊपर, तो हमारे पास दो कॉलम्स के ऊपर ये स्पैन करेगा विच इज़ टू ट्रैक्स, क्योंकि पहली लाइन से थर्ड लाइन तक दो ट्रैक्स आते हैं। इसको हम वीएस कोड के अंदर अभी इम्प्लीमेंट करके अपने एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आइटम जो है उसका हमारे पास सिलेक्टर तो ऑलरेडी मौजूद है, हम इसको क्या करेंगे अनकमेंट करेंगे, देन वी कैन डू ए ग्रिड कॉलम स्टार्ट लेट्स डू 1 देन
ग्रिड कॉलम एन एंड लेट्स डू 3। और यहाँ पे अगर हम अपने ब्राउजर के अंदर देखें तो हमारा पहले था कि हमारी पहली रो के अंदर 1 और 2 आ रहे थे, अभी हमारा क्या है कि हमारी पहली रो के अंदर जस्ट 1 एलिमेंट है यहाँ पे देखें अगर, और हमारा जो 2 एलिमेंट था वो अब सेकंड लाइन के ऊपर शिफ्ट कर गया है। इसी तरह हम यहाँ से इसका शॉर्ट हैंड अगर हम देखें इनको हम कमेंट कर देंगे एंड देन वी कैन डू ए ग्रिड कॉलम 1 देन स्लैश 3 फॉरवर्ड स्लैश 3 विच इज सेम थिंग के स्टार्ट वैल्यू एंड देन देयर इज एंड वैल्यू। और इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको भी हम कमेंट आउट करेंगे। वी कैन डू ए ग्रिड कॉलम एंड वी कैन डिफाइन ए कॉलम स्टार्ट लाइन विच इज 1, यानी कि कॉलम की पहली लाइन फर्स्ट कॉलम लाइन से स्टार्ट होगा देन स्लैश देन वी कैन डिफाइन ए स्पैन वैल्यू। स्पैन अब हम करेंगे कि स्पैन कहाँ तक करें विच इज 2। स्पैन 2 मीन्स कि दो सेल तक स्पैन करें, क्योंकि हमारे पास दो कॉलम्स हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम लाइन से स्टार्ट हो देन उसके बाद 2 सेल्स को ऑक्यूपाई करें। हम अपने ब्राउजर के अंदर देखते हैं सेम रिजल्ट इससे भी। तो ये तमाम लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, इनमें से आपको जो पसंद आएगा आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ इंटरेक्टिव अच्छे जो हैं आप क्रिएट करेंगे जो डिज़ाइन हैं ग्रिड के अंदर। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नाउ वी हैव ग्रिड रो, बिल्कुल सेम है ये ग्रिड कॉलम की तरह, सेम कंसेप्ट, सेम प्रॉपर्टीज, सेम वैल्यूज, सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। वो जस्ट कॉलम्स के लिए था, ये जस्ट रो के लिए है। इसको भी इंप्लीमेंट करके हम अपने सीएसएस कोड के अंदर देखते हैं। तो अपने वीएस कोड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करके अपने कोड के अंदर देखेंगे। सो राइट नाउ इसी फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर ही हम इसको कमेंट आउट करेंगे। देन वी कैन डू ए ग्रिड टेम्पलेट एंड ग्रिड रो, ग्रिड रो स्टार्ट एंड वी कैन डू ए 1 कि वो पहली लाइन से स्टार्ट हो, देन ए ग्रिड रो एंड एंड वी कैन डू समथिंग लाइक 4 मे बी। और अपने ब्राउजर के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये पहली, अगर हम यहाँ से ग्रिड को ऑन कर दें तो ये फर्स्ट लाइन से फोर्थ लाइन तक स्पैन कर रहा है। तो ये ग्रिड टेम्पलेट मतलब ग्रिड रो एंड स्टार्ट का यही मतलब था कि वो फर्स्ट से लास्ट लाइन तक चले। और इसी के साथ अगर हम इसको भी ऑन कर दें हम देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ से एक क्रिएट कर लिया एलिमेंट जो कि पे दो मुख्तलिफ रोज, दो मुख्तलिफ कॉलम्स और 3 मुख्तलिफ रोज के ऊपर स्पैन कर रहा है। अभी कॉलम्स को हम शट ऑफ कर देते हैं, देन हमारे पास सिमिलर टू कॉलम हम इसको भी मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, विच इज़ अगर हम यहाँ पे ग्रिड रो कर दें 1/4 सेम रिजल्ट। अगेन इसको भी हम कमेंट आउट कर सकते हैं एंड वी कैन डू ए ग्रिड रो एंड 1/ स्पैन। अब क्योंकि हमें 3 रोज चाहिए विच इज 3 ट्रैक्स 3 डिफरेंट सेल्स, तो हम इस बार यहाँ पे 3 करेंगे एंड देन सिमिलर रिजल्ट। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं ग्रिड टेम्पलेट, रो स्टार्ट एंड कॉलम स्टार्ट और रो एंड कॉलम एंड, और उनके शॉर्ट हैंड्स हैं। ये यहाँ पे आप रो को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ तरीके हैं कॉलम को लिखने के। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इन तमाम की। अपनी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नाउ द टॉपिक ऑन हैंड इज ग्रिड अलाइनमेंट, कि हम ओवरऑल जो ग्रिड के अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं उनको हम
अलाइन कैसे कर सकते हैं। फ्लेक्स के अंदर भी हमने देखी थी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ही हैं, उनकी यूटिलाइजेशन भी सिमिलर ही है। उनको हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पे हमारे पास जस्टिफाई आइटम्स है, अलाइन आइटम्स है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन कंटेंट है, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ। तो जो लास्ट दो प्रॉपर्टीज़ हैं जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ, ये ग्रिड आइटम के ऊपर हमारे पास इम्प्लीमेंट होंगी, और बाकी जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास वो ग्रिड कंटेनर के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी, जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो वन बाय वन इनको अपने VS कोड के अंदर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये कोड के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किए जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने कोड के अंदर अगर देखें तो हमने यहाँ पे कुछ इसको एक विड्थ और हाइट दी थी, हम उसको वापस टॉगल ऑन करेंगे। और अपने जो हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड कॉलम्स हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे, लेट्स टू 100 एंड कॉलम वुड बी 150। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कॉलम अब हमारे एलिमेंट से बड़े हो चुके हैं, हमारे सेल जो हैं हमारे एलिमेंट से बड़े हो चुके हैं। तो हम अपनी जो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको सेल के अराउंड हम अलाइन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं जो कि हमारी प्रेजेंटेशन में थी वो है जस्टिफाई आइटम्स। सो जस्टिफाई आइटम्स एंड वी कैन डू अ सेंटर, हमारे तमाम जो आइटम्स थे वो हॉरिजॉन्टली सेंटर आ गए। इसी तरह जो हमारी वर्टिकल के लिए हमारे पास यूटिलाइज होती है प्रॉपर्टी वो है अलाइन आइटम्स, वी कैन डू अ सेंटर, अब ये वर्टिकली भी सेंटर में आ गए। तो हमारे पास जस्टिफाई आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स डिफरेंट तरीकों के लिए यूज़ होते हैं। जस्टिफाई आइटम्स यूटिलाइज होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, और ये वैल्यूज एक्सेप्ट करती है स्टार्ट सेंटर एंड, और इसी तरह हमारे पास अलाइन आइटम्स भी ये वैल्यूज एक्सेप्ट करती है, और ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए यूटिलाइज की जाती है। सेम वैल्यूज़ हैं ये जो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी थी, और इनकी यूटिलाइजेशन भी सेम है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर रोज के अंदर ये काम था, यहाँ पे पर सेल ये काम है। तो हम देख सकते हैं कि जस्टिफाई आइटम्स जहाँ पे एक आइटम को अपने सेल के अंदर सेंटर कर देता है, तो हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट जो है वो ओवरऑल तमाम पूरी ग्रिड को कंटेनर के अंदर सेंटर कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रिड हमारे पास बड़ी थी, और हमारे पास कंटेनर क्योंकि हमारे पास दो कॉलम्स हैं विच इज़ इक्वल, यहाँ से हम देख सकते हैं 150, सो 150 एंड 150 दैट इज़ 300 पिक्सल्स, और हमारे पास कंटेनर की वेट 500 पिक्सल्स है। तो हमारे पास वो ऑफ सेंटर थी स्टार्ट में थी, लेकिन अभी हमें जस्टिफाई कंटेंट ने क्या किया कि उसको हमने क्योंकि सेंटर की वैल्यू दी तो उसने हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर पे मूव करवा दिया। इसी तरह अगर हमारे पास वर्टिकली भी अगर हम इसको ज़्यादा बड़ा कर दें विच इज़ लेट्स 900 पिक्सल कंटेनर, हमारे पास अब अगर हम देखें तो कंटेनर अब हमारे पास बड़ा हो गया है कंटेनर हमारे ग्रिड से। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू एन अलाइन कंटेंट एंड डू ए सेंटर। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो पहले काफ़ी ऊपर था, अब हमारे पास स्टार्ट में कंटेंट नहीं है, नीचे आ गया है क्योंकि ये अब सेंटर पे मूव कर गया है। तो ये बेसिक जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट है। तो ये पूरी ग्रिड को ही जस्टिफाई करते हैं कंटेनर के अंदर, पूरी ग्रिड की अलाइनमेंट के लिए ये डिफाइन किए जाते हैं। और जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम जो हैं ये पर आइटम को उसके सेल के अंदर, यानी तमाम को कलेक्टिवली लेकिन विद इन अ सेल, और ये जो हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट है ये पूरे के पूरी ग्रिड को विद इन द कंटेनर अलाइनमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला पहला एलिमेंट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एलिमेंट के सिलेक्टर के अंदर जाएंगे, देन वी कैन डू एन अलाइन सेल्स विच इज सेंटर तो ऑलरेडी है, लेट्स डू ए स्टार्ट, जस्ट डू स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट की जरूरत नहीं है,
then we can do a justify self and इसको भी हम start कर देंगे. तो ये अभी हम देखते हैं कि बाकी तमाम center में हैं, लेकिन हमारा जो first वाला है वो both vertically and horizontally start के अंदर आ गया है. अब start क्या है, हमने flexbox में explain किया था, वो lecture आप repeat कर लिएगा. उसके start में ही explain किया गया है कि start end ये चीज तमाम चीज़ें क्या होती हैं. तो अगर हमने किसी एक एलिमेंट को इस तरह करना है तो हम वो कर सकते हैं. लेट्स डू अनदर, सेकंड को भी हम कर सकते हैं अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ लेट्स डू एंड, जस्टिफाई सेल्फ आल्सो एंड. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अब हमारा जो फ्लो था उससे थोड़े से आउट हैं, डिफरेंट हो चुके हैं. बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हमारे कंटेनर के ऊपर अलाइन आइटम्स और जस्टिफायर आइटम्स हैं उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू फॉर ऑल अटेंडिंग एंड लिसनिंग वेरी केयरफुली. होप सो किसी को कुछ समझ आई होगी. अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें, आपका फौरी रिप्लाई किया जाएगा. और अगर आप थोड़ा सा अगर प्यार हमें दिखाएंगे हमारे तमाम सोशल मीडिया को फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके दिस वीडियो को, तो बहुत हेल्प होगी हमारी और हमारी अप्रिसिएशन होगी. एंड आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.